आरती, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड, एक गड़बड़ हो गई। मैंने ना एक वीडियो शूट किया था ज्वेलरी का, जो कि मैं अभी एडिट कर रही हूँ, तो देखा कि वो वीडियो शूट ही नहीं हुआ है, तो फिर से मुझे वो वीडियो शूट करना पड़ रहा है। तो कल मैंने एक ज्वेलरी का अनबॉक्सिंग किया था वो वीडियो के सामने ही, बट वो वीडियो ख़राब हो गया, शूट ही नहीं हुआ, इसलिए मुझे आज फिर से वीडियो रिव्यू करना पड़ रहा है। तो ज्वेलरी तो अनबॉक्सिंग हो गया है, अब मैं इसका रिव्यू कर दे रही हूँ। तो देखा दिखाती हूँ। मैंने ना एक मीशो से मैंने एक ज्वेलरी ऑर्डर किया था, गला सेट, तो वही आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए देखते हैं कैसा है क्या है, और ये आप लोग को कैसा लगता है, मैं ऑनेस्ट रिव्यू दे देती हूँ इसका। तो मैंने ना एक कमरबंद और एक गला का सेट ऑर्डर किया था, तो देखो ये कुछ इस तरह से पैकेजिंग में आया है। ये देखो ये इस तरह से था। ये देखो मैंने इसे कल वीडियो में कट किया था, बट वीडियो ख़राब हो गया, इसलिए ये मैंने कट कर लिया है। और ये देखो कुछ इस तरह का है ये। और तो चलो मैं दिखा देती हूँ पहले आपको। तो मैंने बोला ना, दो चीज़ मैंने ऑर्डर किया था, एक कमरबंद और एक था गला का सेट। ये देखो ये है गले का सेट और ये है कमरबंद। तो इसकी पैकेजिंग देख सकते हो कितनी अच्छे है ना। डब्बा है प्लास्टिक का, जो कि बिल्कुल भी आने जाने में ख़राब नहीं होगा, आप कैरी कर सकते हो जर्नी में, बहुत ही अच्छे से सेफ रहता है ये इसमें। तो चलिए पहले आपको ज्वेलरी दिखा देती हूँ कैसा है। तो ये देखो फ्रेंड, ये कुछ इस तरह से आता है ये डब्बे में, और ये है वो ज्वेलरी जो कि मैंने ऑर्डर किया था। इसकी रेंज में बताऊंगी आपको, लास्ट में बने रहना होगा। तो ये देखो ये कुछ इस तरह का ज्वेलरी है। ये देखो इसमें पिकॉक बने हुए हैं, देख सकते हो आप लोग। तो मैंने ये ना देखा था ना, तो जब मैं ये देख रही थी, जब ये वीडियो में देखी थी फोटो मीशो पे, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये देखो ये कुछ इस तरह से रहता है। ये देखो कैसा लग रहा है आप लोग को बताना, है ना अच्छा। तो इसके डिजाइंस कुछ इस तरह के हैं, स्टोन बैठे हैं इसमें, दो दो पिकॉक हैं। बट इसका कलर मुझे थोड़ा सा अलग लग रहा है, कुछ अजीब सा, कुछ ज़्यादा ही गोल्डन हो गया है। तो ओवरऑल ठीक है, ये अच्छा लगा मुझे, न्यू डिजाइंस था तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा, तो मैंने ले लिया था। तो ये हो गया गले का सेट, और ये देखो ये है एक कमरबंद जो कि मेरे पास नहीं था, तो मैंने दुर्गा पूजा के पर्पज़ से मैं देखती हूँ पहन पाती हूँ कि नहीं। ये देखो ये भी इस तरह का डब्बा में बहुत ही अच्छे सेफली तरीके से आया है। ये देखो वाह, ये बहुत ही सुंदर लग रहा है, इसे गले में भी पहन सकते हैं, नहीं कुछ बुरा नहीं लगेगा। कमरबंद तो ये देखो ये कुछ इस तरह का है। इसकी क्वालिटी की बात करूँ तो अच्छा है, ओवरऑल सही है। इसकी रेंज जानकर आप लोग हैरान रह जाओगे। आपको पता है ये इसकी शाइनिंग बहुत ही अच्छे लग रहे हैं मुझे, इसकी जो चमक है ना बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा है। ये देखो आप लोग, तो ये मुझे इससे ज़्यादा अच्छा लगा। इसकी इसके गोल्डन कुछ अलग है, ये गोल्डन कुछ अलग है, तो मुझे ये इस टाइप के पसंद है। ये कुछ ज़्यादा ही अजीब है, बट ओवरऑल ठीक है। तो ये है कमरबंद, तो अच्छा खासा लेंथ है ये। जब मैं फ़ोटो देखी ना, तो इतना चौड़ा मुझे नहीं लग रहा था कि इतना चौड़ा होगा, मुझे लगा इतना छोटा होगा, थोड़ा सा कम चौड़ा होगा, बट ये अच्छा खासा चौड़ा है। तो मेरे पास नहीं था ये, तो इसकी रेंज मुझे बहुत ही अच्छे लगे, रिजनेबल लगे। तो ये देखो इतना चेन भी है। तो आप लोग को कैसा लगा ये ज्वेलरी, पूरी ज़रूर बताना। इसकी रेंज की बात करूँ तो ये है 146 का, ये कमरबंद जो है ओनली 146 के हैं ये। और ये जो ज्वेलरी है 264 के है, तो इसके 64 क्या होते हैं शिपिंग चार्ज लग गया मुझे, तो ऐसे 200 के हैं बट मुझे 64 रुपीज शिपिंग चार्ज लग गया। तो ये भी बहुत ही अच्छा लगेगा अगर पहनेंगे कोई भी साड़ी वगैरह पर। तो
तो जब भी पहनूंगी आप लोग जरूर देखना। आप लोग भी चाहे तो मीशो से बाय कर सकते हो, छोटी मोटी चीज़ें सस्ती मिलती है और क्वालिटी भी उसी के हिसाब से। तो इसके पता है इसके चेन बहुत ही अच्छा दिया है, मोटा सा है, तो आप पीछे लगाते हो ना तो बहुत ही इजी तरीके से हुक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। जब ये बड़ा होता है ना तो आराम से पहन सकते हो इसे, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत इजी तरीके से किसी में भी अपना एडजस्ट करके फंसा सकते हो। ये चोकरा टाइप का है। तो ये थी मेरी मीशो से दूसरी बार शॉपिंग, जो कि अभी ज्वेलरी ही है। तो आप लोग को कैसा लगा ये वीडियो प्लीज़ ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट से ज़रूर करना। फ्रेंड मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, बाय बाय।